गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस क्या रहता है हम देख लेंगे। पहले आज का डेट लिख लेते हैं। आज है 16 फरवरी। टुडे इज 16th of February 2024। आज हम देखने वाले हैं, बेसिकली ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 आप लोग अपने नोटबुक में लिखते जाओ। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का टाइटल है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। चलो आप लोग नोट बनाने में भी ध्यान दो, ठीक है। बाकी सीखना तो सीखते जाएंगे, ठीक है। साइड बाय साइड हम लोग करेंगे। तो जिस वाक्य के अंत में वर्ब आता है और शुरू में सब्जेक्ट आता है, यानी चार्ट नंबर 1, उसे हमें सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। सो ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें भी टेंसेस रहते हैं। पहले आप नोट कंप्लीट करो, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिखो, आप लोग भी लिखो। दिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में वर्ब आता है, वर्ब आता है, जिस वाक्य के अंत में वर्ब आता है और शुरू में सब्जेक्ट आता है, शुरू में सब्जेक्ट, इसको हम फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे तो क्या, शुरू में क्या है सब्जेक्ट प्लस लास्ट में आएगा वर्ब, राइट, आता है। यानी चार्ट नंबर 1, चार्ट नंबर 1, ठीक है, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ये तो हमने देख लिया सिंपल पास्ट टेंस। टेंस अभी खत्म हुआ है, अभी हम नए चैप्टर देख रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल, मैंने मेहमानों को पानी दिया, मैंने मेहमानों को पानी दिया, मैंने मेहमानों को पानी दिया। इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, आई, सिंपल पास्ट टेंस, आई गेव वाटर टू गेस्ट, आई गेव वाटर टू गेस्ट। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, आपका सिंपल पास्ट टेंस रिवाइज हो रहा है। नहीं, दूसरा एग्जाम्पल नहीं है, दूसरा रूल है ये, ठीक है। जिस वाक्य के अंत में वर्ब आता है, जिस वाक्य के, यहां तक तो सेम है, ऊपर में भी हमने ये लिखा, जिस वाक्य के अंत में वर्ब आता है, लेकिन शुरू में क्या आएगा, चार्ट 2 आएगा शायद, शुरू में क्या, सब्जेक्ट, यानी चार्ट 1 नहीं आता है, यहां पे नहीं आता है, चार्ट 1 नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है, आता है नहीं, है ना, नहीं आता है,
तो उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर अंत में तो वर्ब आता है, लेकिन शुरू में अगर चार्ट वन आता है तो सिंपल पास्ट में होगा, हो जाएगा। अगर चार्ट वन शुरू में नहीं आता है तो उसे हम क्या करेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सब्जेक्ट अगर चार्ट वन में है तो वो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट चार्ट वन नहीं है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है? तो ऐसे वाक्य में चार्ट वन के शब्द नहीं आता है, लेकिन चार्ट नंबर टू और चार्ट नंबर थ्री आता है, ठीक है? ये भी रूल है। तीसरा रूल क्या है? ऐसे ऐसे को आप कैसे लिखेंगे? ऐसे वाक्य में आप लोग भरोसा करो और मुझ पे भरोसा करो, नोट्स बनाओ एटलीस्ट, ठीक है? ऐसे वाक्य में चार्ट नंबर वन का शब्द नहीं आता है। आप ज्यादा मत सोचो मुझे ये याद रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है? ऐसे इंग्लिश सीखेंगे नहीं सीखेंगे ये सब छोड़ो, बस भरोसा करो उसी को। ऐसे वाक्य में चार्ट नंबर एक का शब्द नहीं आता है, ठीक है? लेकिन चार्ट नंबर दो और तीन आता है। लेकिन चार्ट नंबर दो और तीन आता है, चार्ट नंबर दो और तीन आता है, ठीक है? इसका ऑर्डर क्या क्या रहेगा लिखने का ऑर्डर? इसका ऑर्डर रहता है, ऑर्डर है। आप रूल भी बोल सकते हो, एफर्मेटिव अगर रहेगा तो क्या रहेगा? बी वन रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। इसकी पहचान क्या है? सब्जेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है, अंत में वर्ब आता है। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं रहता है, अंत में वर्ब आता है, अंत में वर्ब आता है। और दूसरा एक पहचान क्या है? चार्ट नंबर एक नहीं आता है, चार्ट नंबर दो और तीन आता है, ठीक है? चार्ट नंबर एक नहीं आता है, चार्ट नंबर दो और तीन आता है। ठीक है, चलो अपन कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। नंबर वन, नीचे बैठो, ऐसे हमें बोलना रहेगा किसी को, नीचे बैठो बोलेंगे ऐसे। तो कैसे करेंगे? रूल क्या है? बी वन प्लस सब्जेक्ट। बी वन, बी वन क्या है? सीट सेट सेट। बी वन बी टू बी थ्री सीट हो गया। बी वन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? डाउन, नीचे बैठो, सिट डाउन, डायरेक्ट। ये बहुत इजी है। हम रूल देख रहे हैं ग्रामर के, इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा है। अदरवाइज सिट डाउन को नीचे बैठो ये बोलना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, राइट? सिट डाउन। बट
इसका रूल, ग्रामर, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। वी वन प्लस सब्जेक्ट, कोई भी वर्ब का पहला फॉर्म लो उसके बाद ऑब्जेक्ट लो तो वो इंपेरेटिव हो जाएगा। दूसरा देखो, मुझे तुम्हारा नाम बताओ, मुझे तुम्हारा नाम बताओ, मुझे तुम्हारा नाम बताओ, क्या रहेगा? V1, टेल मी, मुझे तुम्हारा नाम बताओ, टेल मी बताओ मतलब टेल मी योर नेम, ये V1 हो गया, योर नेम, ठीक है, टेल मी योर नेम। यहाँ पे मी आया ना, ये आपको जो चार्ट मैंने बनाया था वो चार्ट वन है क्या चार्ट टू है? चार्ट वन है, चार्ट वन में आई था, चार्ट टू में आई के जगह मी, वी के जगह अस, चार्ट टू आप रिफर करो। सो हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं जो सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ आप उस सीक्वेंस में करो, ठीक है। टेल मी योर नेम, योर नेम इज ऑब्जेक्ट यार, सो वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान क्या है? चार्ट टू के शब्द आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे चार्ट टू के नहीं आए, लेकिन चार्ट वन के भी नहीं आए, ठीक है, सब्जेक्ट है नहीं। तीसरा एग्जांपल, तुम्हारा नोटबुक बंद करो, सच में मैं बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं एक सेंटेंस है, तुम्हारा नोटबुक को नोटबुक ही लिखेंगे, बंद करो, तुम्हारा नोटबुक बंद करो, तो पहले वर्ब आएगा, बंद करना मतलब क्लोज, राइट ना। योर, यू के जगह पे क्या आया है? यो, ये चार्ट नंबर टू है, अगर आप प्रीफर करोगे, चार्ट नंबर वन होता तो यू होता, यू के जगह पे योर, क्लोज योर ऑब्जेक्ट बुक या नोटबुक जो भी बोलना है आपको, ठीक है, क्लोज योर बुक। सो सब्जेक्ट नहीं आया यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वी एन प्लस सब्जेक्ट, अगर वैसा होता तो वो टेंस वाले सब्जेक्ट हो जाते, ये टेंस वाले नहीं है, ये क्या है, इंपेरेटिव है, क्योंकि मी के जगह, सॉरी आई के जगह मी आ गया, यू के जगह योर आएगा, क्लोज योर बुक, ठीक है। और एक चार सेंटेंस दिखते हैं, फोर्थ सेंटेंस एग्जांपल, और देखना है, क्लास में शांति रखो, क्लास में शांति रखो, क्लास में शांति रखो, कीप साइलेंट, राइट। सो कीप यहाँ पे वर्ब है, शांति रखना, साइलेंस, एस आई एल ई एन सी, साइलेंस, क्लास में शांति, साइलेंस इन रूम, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे चार्ट टू आया ही नहीं, ठीक है, नहीं चार्ट टू नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, चार्ट वन नहीं है चलना, चार्ट वन नहीं आना चाहिए। चार्ट वन में क्या है? आई वी यू मी, नहीं आई वी यू दे, ठीक है, आया क्या यहाँ पे? नहीं आया। क्लास में शांति रखो। सो अभी हम देखेंगे बेसिकली इंपेरेटिव, इंपेरेटिव ही हम देख रहे हैं ना, इंपेरेटिव के अभी हम नेगेटिव देखेंगे। सो इसकी पहचान तो बहुत इजी है, हिंदी में अगर आपको जानना है तो पहचान मत करो, मत करो, मत नहीं है वो, मत है, मत करो, राइट, मत आओ, मत जाओ, मतलब मत, एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन क्या है, मत है, मत जाओ। इसका रूल क्या है? रूल अगर आपको रूल जानना है तो इसके रूल है डोंट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, डोंट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, डोंट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। सो किसी भी वर्ब के आगे डोंट लगा दो, बाद में ऑब्जेक्ट लिख दो, वो इंपेरेटिव का नेगेटिव बन जाएगा।
कुछ एग्जांपल देखने। चलो एग्जांपल विद फर्स्ट एग्जांपल, नीचे मत बैठो, नीचे मत बैठो तो क्या बोलेंगे इसको? पहले डोंट लगाना है, डोंट लगाया देखो, उसके बाद वी1 लगाना है, वी1 लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है नीचे, डोंट सिट डाउन, नीचे मतलब डाउन। सो एक एग्जांपल हो गया डोंट सिट डाउन, डोंट सिट डाउन, सो ये इंपेरेटिव का नेगेटिव हो गया। दूसरा, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है क्या? आई यू वी यू नहीं है ना, ठीक है। फिर चार्ट टू भी नहीं है तो चलेगा, अगर चार्ट टू आया तो भी वो इंपेरेटिव है, नहीं आया तो भी इंपेरेटिव, लेकिन चार्ट वन नहीं आना चाहिए, आई वी यू यू दे नहीं आना चाहिए, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, मुझे परेशान मत करो, आप लिखते जाओ साथ में, मुझे ये परेशान, आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, मुझे परेशान मत करो। प्रवचन सुनने नहीं आया ना, मुझे परेशान मत करो, सो नेगेटिव है, मत आया ना यहाँ पे तो नेगेटिव हो गया, यहाँ भी मत आया ना नेगेटिव हो गया, सो डोंट टाइप करना, डोंट। फिर विवन, विवन का है परेशान करना, बदर राइट, डोंट बदर, और डिस्टर्ब भी बोल सकते हो, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट बदर मी राइट, डोंट बदर मी, इस तरीके से नेगेटिव। इसके एग्जाम्पल तो बहुत हो सकते हैं, हजारों लाखों, ठीक है। इन्फिनिटिव देखो, अभी रिक्वेस्ट देखेंगे, अभी हमने इंपेरेटिव सेंटेंस देखे थे, अभी रिक्वेस्ट देखते हैं। रिक्वेस्ट पहला क्या था? ऑर्डर। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट में छूट गया, आप आपको लिखाना छूट गया, फर्स्ट क्या है? ऑर्डर, आज्ञा देना, किसी का हम ऑर्डर कर रहे हैं ना, हाँ, आज्ञा, ज्ञा ऐसा नहीं होता है ना, ज्ञा ऐसा होता है, ठीक है, आज्ञा ऐसा, आज्ञा, तो ऑर्डर देना, तो वो एक हो गया, नीचे बैठो, मुझे तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारा नोटबुक बंद करो, ये ऑर्डर देना हो गया। इसी का नेगेटिव, नीचे मत बैठो, मुझे परेशान मत करो। अब ये दूसरा हम देखे रिक्वेस्ट, एक तो ऑर्डर हो गया, सेकंड रिक्वेस्ट हो गया, क्या हो गया? रिक्वेस्ट। अब ऐसे कलर कॉम्बिनेशन करना, रिक्वेस्ट पहले को आप लिखना, ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है, ऐसे बॉक्स में रखो, दूसरे को रिक्वेस्ट। अभी हम रिक्वेस्ट का देखते हैं, इसका पहचान क्या है? रिक्वेस्ट का, रिक्वेस्ट का पहचान आपको कुछ करना है क्या? सब्जेक्ट प्लस चार्ट वन नहीं आएगा, चार्ट टू और थ्री आएगा, सब्जेक्ट रहेगा चार्ट वन के प्रोनाउन नहीं आएंगे, प्लस चार्ट टू एंड थ्री और टू और थ्री आएगा। कृपया आओ, कृपया जाओ, हिंदी में बोलेंगे कृपया प्लस वर्ब, कृपया आओ, कृपया जाओ, उसको हम वर्ब बोलते हैं ना। अब अफर्मेटिव का रूल देखना आप, इसमें रिक्वेस्ट में भी पहला अफर्मेटिव उसके बाद नेगेटिव हम देखेंगे, इसमें इंट्रोगेटिव नहीं होता है, क्वेश्चन पूछना नहीं होता है। प्लीज प्लस बी वन प्लस सब्जेक्ट क्या रहेगा? पहले तो प्लीज रहेगा प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो गया? प्लीज प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखना है, कृपया नीचे बैठो, कृपया नीचे बैठो, कृपया नीचे बैठो, तो रूल क्या है हमारा? प्लीज। वी1 क्या है? बैठना। नीचे ऑब्जेक्ट क्या है? सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, ठीक है। कृपया बच्चों को मार्गदर्शन करो, कृपया बच्चों को मार्गदर्शन,
मार्गदर्शन है ना, मार्ग दिखाना, राह दिखाना, मार्गदर्शन करो। हमारा रूल क्या बोलता है, प्लीज प्लस वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो प्लीज लिखना ही है। मार्गदर्शन करने को क्या बोलते हैं, गाइड, प्लीज गाइड। बच्चों को क्या बोलते हैं, चिल्ड्रेन, ठीक है। और तीसरा एक एग्जांपल और देख लेते हैं, कृपया उसे पैसा दो, कृपया उसे पैसा दो। तो रूल क्या है, प्लीज प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, प्लीज प्लस वी वन क्या है, गिव उसे पैसा, हिम मनी, गिव हिम मनी, राइट। तो इस तरह से रिक्वेस्ट का हमने देख लिया। अभी नेगेटिव का देखना है, उसमें सिर्फ नॉट लगाना है, ठीक है। नेगेटिव अगर आपको देखना रहेगा तो उसमें सिर्फ नॉट लगाना है। चलो नेगेटिव भी देख लेते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव, सो नेगेटिव के लिए क्या रहेगा, कृपया मत आओ, कृपया मत जाओ, कृपया तो रहेगा, सो मत आओ में मत जाओ, मत ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है, मत जाओ। और कुछ भी देखो, मत आओ यहाँ, तो बाकी तो अभी तो अनलिमिटेड है ना, मत आएगा ही आएगा, मत आओ, मत जाओ, मत खाओ, ये सब। तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, नहीं सब्जेक्ट रहे तो टेंस हो गया, प्लीज, उसके बाद डोंट, उसके बाद बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको ऐसे बोलना है कृपया जाओ, मत आओ, मत आओ, ऐसे, तो आपको प्लीज लगाना है। तो कुछ एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं, एग्जांपल अपन इस लिंक में देख लेते हैं। एग्जाम्पल वन, कृपया नीचे मत बैठो, कृपया नीचे मत बैठो, प्लीज। रूल क्या है, प्लीज प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, बैठना सीट, प्लीज प्लस डोंट, यहाँ पे डोंट आया, प्लीज डोंट, वी वन सीट ऑब्जेक्ट डाउन, प्लीज डोंट सीट डाउन। और एग्जाम्पल देखते हैं, कृपया उसे पैसा मत दो, कृपया उसे पैसा मत दो। देखो अगर मेरे को आपको सिर्फ बोल के छोड़ना है ना, तो कितने जल्दी, प्लीज डोंट सिट डाउन, प्लीज डोंट हिम मनी, उसे पैसा मत दो, इतने बोल के मैं एक लाइन में सेंटेंस करके छोड़ दूंगा, लेकिन उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लिखना पड़ता है, मैं लिख रहा हूँ आप भी लिखो, तो इसका मतलब मेरे को सीखने के लिए नहीं है, आपको सीखने के लिए है। तो आप लिखते जाओ, कृपया उसे पैसा मत दो। रूल क्या है, प्लीज लिखना है एज पर रूल, डोंट एज पर रूल लिखना है, फिर विवन लगाना है। विवन आपको पता होना चाहिए, देना मतलब गिव, अब पैसे मतलब मनी आपको पता है, ज्यादातर को तो पता होगा इतना, प्लीज डोंट गिव मनी, ठीक है। इसलिए मेरी गारंटी है कि अगर आप चार पांच क्लास पढ़े हो तो इंग्लिश बोल पाओगे, प्लीज गिव हिम मनी, हो गया। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कृपया मुझे परेशान मत करो, कृपया कृपया मुझे परेशान मत करो, परेशान मत करो, कृपया मुझे परेशान मत करो। तो एज पर रूल प्लीज लिखना है पहले, एंड डोंट लिखना है प्लीज डोंट, ये तो एज पर रूल है। अब परेशान करना बदर वे बदर मी ऑब्जेक्ट है, इतना तो आपको पता होगा, प्लीज डोंट बदर मी, देखो चार्ट टू भी आया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, एक और नया चीज देखते हैं, लेट्स वाला देखते हैं, इनवाइट, ठीक है। अभी हम थर्ड एक देखा ना हमने, पहला क्या था,
इंपेरेटिव में पहला क्या था, ये रहा ऑर्डर, सेकंड क्या है, ये रहा रिक्वेस्ट, अभी थर्ड क्या है, लेट्स, राइट। इसको हिंदी में इनवाइट नहीं, मतलब इनवाइट भी बोला जा सकता है, हिंदी में तो इसका मतलब चलो रहता है, चलो चलो गाना गाते हैं, चलो खाना खाते हैं, ऐसा। इसकी पहचान क्या है, पहले तो सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए तो इंपरेटिव है ना, पहले सब्जेक्ट, पहला पहचान क्या है, सब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है, स्टार्ट वर्ड नहीं आता है, स्टार्ट वर्ड नहीं आता है, स्टार्ट वर्ड नहीं आता है, ठीक है। और पहचान क्या है, चलो जाए, चलो खाए, चलो खाए, एक्चुअली चलो पहचान है, ठीक है, चलो पहचान है, चलो प्लस वर्ब क्रिया, चलो प्लस क्रिया, इसकी पहचान है, ठीक है। सो रूल क्या है, लेट्स प्लस वी एन प्लस ऑब्जेक्ट, रूल क्या है फिर, लेट्स प्लस वी एन प्लस ऑब्जेक्ट, रूल क्या है, लेट्स प्लस LETS, let's plus V1 plus object, ये रूल है, let's plus V1 plus object। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो घर जाएं, चलो घर चलते हैं, चलो घर चले, ठीक है, ये चलो वाला चले नहीं है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो जाएं ऐसा लिखो, चलो घर जाएं। तो रूल क्या है, लेट्स प्लस वी वन, जाना मतलब गो, लेट्स गो होम, लेट्स गो टू होम, क्या हो गया, लेट्स वाला इंपेरेटिव है। एक देख लिया लेट्स का, दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल, चलो होटल में चाय पिए, हिंदी में भी आप लिखते जाओ चलो, क्योंकि दो चार दिन बाद, दो चार महीने और साल बाद आप लोगों को ये सब थोड़ी याद रहेगा, ओनली नोटबुक रहेगा। चलो होटल में चाय पिए, ऐसा आपको बोलना है। रूल क्या है, लेट्स प्लस वी एन प्लस ऑब्जेक्ट, सो मुझे पता है, आपको दिखा रहा हूं मैं, इतना तो पता है मुझे, लेट्स, लेट्स वी एन क्या है, चाय पीना, लेट्स ड्रिंक टी इन अ होटल, राइट, लेट्स ड्रिंक टी इन अ होटल। दूसरा, चलो चाटी में, पार्टी में मजे करें, दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, तीसरा है रादर, चलो पार्टी में एंजॉय करें, पार्टी में एंजॉय करें, मजे करें, तो लेट्स प्लस वी वन, लेट्स एंजॉय, लेट्स एंजॉय इन पार्टी, लेट्स एंजॉय इन पार्टी, लेट्स प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, लेट्स प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और एक, चलो भारत से पोलियो निकालें, चलो हटाएं, भारत से पोलियो हटाएं, हटाएं, रूल क्या है, लेट्स प्लस वी वन, लेट्स हटाना को क्या बोलते, ओमिट, लेट्स ओमिट, ओमिट, ओ एम आई टी, ओमिट पोलियो फ्रॉम इंडिया, पोलियो फ्रॉम इंडिया इज ऑब्जेक्ट हियर, लेट्स प्लस वी वन, ठीक है। हमने अभी देखो ये कैसा था, थर्ड था ना लेट्स वाला, अभी फोर्थ देखते हैं, क्या फोर्थ अभी हम देखते हैं, क्या देखना है चार में, लेट प्लस चार्ट नंबर दो, परमिशन, रादर परमिशन, परमिशन के लिए देखते हैं इसका कैसा आता है, लेट प्लस चार्ट नंबर टू, आई की जगह मी, यू की जगह यू,
वी के जगह अस, ठीक है। अलाउ प्लस चैप्टर नंबर टू, रूल कैसा है? अलाउ ए एल एल डब्ल्यू अलाउ प्लस चैप्टर नंबर टू, चैप्टर नंबर टू मी के जगह आई, चैप्टर नंबर दो होते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से पहले रूल लिख लेते हैं। रूल क्या है? अगर अंत में दो आता है, अंत में दो, मुझे पेपर दो, मुझे ये दो वो दो, वैसा दो, अगर अंत में दो आता है, अंत में क्या आता है? दो आता है। अगर अंत में दो आता है और उससे पहले वर्ड आता है, और उससे पहले वर्ड आता है, वर्ड आता है, तब हमें गिव का प्रयोग करना है, तब हमें गिव का प्रयोग करना है। देखेंगे हम एग्जांपल, अभी आप लिख के रखो, गिव का प्रयोग करना है। और दूसरा रूल देखते हैं, ये तो एक हो गया। जब अंत में दो आते हैं, जब वाक्य के अंत में दो आता है, ठीक है, और उससे पहले वर्ब आता है, और उससे पहले वर्ब आता है, अंत में दो आता है और उससे पहले वर्ब आता है, तो दो का ट्रांसलेशन नहीं करना है। ऐसे केस में दो का ट्रांसलेशन नहीं करना है। दो का ट्रांसलेशन करना है क्या? नहीं, दो का ट्रांसलेशन नहीं करना है। उससे पहले आने वाला वर्ब का इस्तेमाल करने वाला है, उससे पहले आने वाला वर्ब, उससे पहले आने वाला जो वर्ब रहेगा, आने वाला वर्ब, ठीक है, उससे पहले आने वाला वर्ब का इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करना है, उससे पहले आने वाला वर्ब का इस्तेमाल करना है। ऐसे केस में यहां पे हम लोग लेट के स्थान पर, लेट के स्थान पर, लेट के स्थान पर अलाओ इस्तेमाल करना है, अलाओ यूज करना है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है। इसका पहचान क्या है? पहले तो पहचान क्या है इस तरीके के सेंटेंस का? पहचान क्या है? सब्जेक्ट प्लस चार्ट वन नहीं आता है, सब्जेक्ट प्लस चार्ट वन नहीं आता है, सब्जेक्ट प्लस चार्ट वन नहीं आता है। चार्ट वन मतलब आई वी ही सी इट दे नहीं आता है। चार्ट टू मतलब आई की जगह वी, आई की जगह मी, सॉरी वी की जगह अस, दे की जगह देम, ऐसा। सब्जेक्ट प्लस चार्ट वन नहीं आता है, सब्जेक्ट प्लस चार्ट वन नहीं आता है, सब्जेक्ट प्लस चार्ट वन नहीं आता है, ठीक है। और अंत में क्या आता है? वर्ब दो, ये आने दो, खाने दो, जाने दो, ठीक है, आने दो, जाने दो, खाने दो, तो लास्ट में वर्ब प्लस दो आता है, ठीक है। इसका पहचान यही है। और कन्वर्जन या ट्रांसलेशन का रूल क्या है? लेट प्लस चार्ट नंबर टू, आई के जगह मी, वी के जगह अस, चार्ट नंबर दो
प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, बी वन तो आएगा ही, ठीक है। अलाव प्लस सेट नंबर दो प्लस टू, ये भी हो सकता है और लेट के जगह अलाव भी हो सकता है। अलाव प्लस सेट नंबर टू अलाव मी, ठीक है। सेट नंबर दो प्लस टू अलाव मी टू प्लस बी वन अलाव मी टू डांस, अलाव मी टू डांस, बी वन इज डांस ऑन द फ्लोर इज ऑब्जेक्ट, अलाव मी टू डांस ऑन द फ्लोर इज ऑब्जेक्ट, राइट। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है, मुझे पेपर दो। पहला एग्जाम्पल क्या है, मुझे पेपर दो, मुझे पेपर, पेपर मैनी न्यूज पेपर दो। आपका रूल क्या है, गिव मी न्यूज पेपर, गिव मी न्यूज पेपर। सो गिव का हमने देखा था ना रूल। दूसरा क्या है, मुझे पेपर पढ़ने दो, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने दो। सो ऐसा रहेगा तो लेट मी, राइट, रीड, लेट मी रीड न्यूज़पेपर, और अलाउ मी टू रीड न्यूज पेपर, अलाउ मी टू यू रीड न्यूज पेपर, ठीक है। सो उन्हें जहन्नुम में जाने दो, स्वर्ग में जाने दो, उन्हें नरक में जाने दो, उन्हें जहन्नुम में जाने दो। सो लेट देम गो टू हेल, लेट देम go to hell, और allow them to go hell, ऐसा नहीं होगा, hell की जगह allow them to go to hell बोलेंगे क्या, hell में जाने के लिए permission नहीं चाहिए, allow them to go to heaven बोलते हैं, heaven में तो obviously permission चाहिए। so इस तरह से imperative sentence हम देखते हैं, उसमें हमने कितने देखे, चार देखे ना, ठीक है, देखते हैं ना कितने देखे, ये देखो चार देखे परमिशन तक। पहले हमने क्या देखे थे, पहले हमने क्या देखे थे, ऑर्डर, उसके बाद रिक्वेस्ट, उसके बाद लेट्स, उसके बाद परमिशन, ठीक है। तो ये रहा आज का लेक्चर, रिवाइज करना अच्छे से, नोट्स बनाना अच्छे से, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। चलो बाय बाय।